हेलो। यार सिब्बू एक्सीडेंट हो गया यार भाई। वो फुल ऐसे हो रखे, बिल्कुल टेंशन में। पता नहीं उसको पता लगेगा कि प्रैंक कर रहे थे तो क्या रिएक्शन होगा उसका। तू फिर ब्लॉग कर रहा है डेली, हर चीज कंटेंट नहीं होता। मत कर ये सब यार, डेली तो ब्लॉग बनाते हैं। सिब्बू क्या हो गया? तो पैदल के मारी है टक्कर बाइक वाले ने। स्वागत आप सबका आज के व्लॉग में। नीक्स माय ब्रदर खच्चर ब्रदर। क्या खच्चर नहीं हूं भाई, मैं विनय हूं। विनय नहीं है तो खच्चर है। गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ ये विनय या खच्चर। पहले से बदल गया हूं मैं भाई, मेरे लुक चेंज हो गए हैं। कैसे मतलब? कैसे लुक चेंज हो गया? खच्चर वाला लुक पता क्या था, मोटा। अब मैं थोड़ा पतला हो गया हूं पहले से। तो अब तू सूखा खच्चर हो गया ना। पहले तो खच्चर था, अब तू सूखा खच्चर हो गया। वंस अ खच्चर इज ऑलवेज अ खच्चर, ऐसा है भाई। गाड़ी कब ले रहा है तू ये बता दे अब। क्यों बताऊं? ये क्या बात है, क्यों बताऊं भाई? मेरे कुछ सीक्रेट्स है लाइफ के गाइस। ओ भाई साहब, ये पता नहीं, ये मेरे को ही नहीं बता रहा कौन सी गाड़ी से सिलेक्ट कर ली। मेरे को इसने झांसे में रख रखा है, कभी कुछ बताता है कभी कुछ। तूने भी तो रख रखा है सबको। मैंने तो सच में अभी डिसाइड नहीं करा। अबे रहने दे, गोली बाजे दोस्तों ये। कोई नहीं, पर सुपरकार तो अपनी आ रही है ना। सरप्राइज के चक्कर में हम सबको इसने झांसे में डाल रखा है। यार देखो एक बात ये भी तो है ना दोस्तों कि सरप्राइज देने में जो मजा है वो बता के करने में मजा नहीं है। तो देखो बात ये है कि आपको पता है सुपरकार आ रही है और वो आ रही है तो सरप्राइज में आएगी तो और अच्छा मजा आएगा। क्यों भाई विनय, कुछ गलत कह रहा हूँ भाई? तो वेट ही कर रहे हैं, क्या करें। तू मुझे तो बता दे कौन सी गाड़ी ले रहा है एक्चुअली में। गाइस जैसे इसको मेरा थोड़ा आइडिया है ना कि मैं कौन सी गाड़ी ले रहा हूँ, इसने मेरे को एक भी आइडिया जीरो आइडिया दे रखा है कि ये क्या ले रहा है। झूठ बोल रहा है खाजा माँ कसम भाई। एक बात बता, जहाँ में तूने दे रखा है मेरे तू को, जिस गाड़ी के पीछे पड़ा हुआ मेरे बोले बोले तो क्या पता वही हो। अब तू नाम मत लियो, बस अब बैठ जा गाड़ी में भाई। तो पीछे पड़ा हुआ हूँ तो तू एग्री भी तो नहीं कर रहा ना? पर तो दिया एग्री और कैसे करूँ भाई। भाई ऐसे नहीं होता। चलो गाइज अभी मैं और विनय ना मार्केट जा रहे हैं, कल मेरे मेन चैनल का शूट है तो उसकी थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। अभी वैसे माहौल कैसा यार? वो धारा वारा 144 लगी थी, दंगे हो रहे थे। मैं भाई दिल्ली से आया था तो सब सही है। अभी सही है? सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई भगवान की कृपा है सब सही है। अभी चलते हैं गाइस, थोड़ा सामान खरीदते हैं। खोल भाई। अबे खोल ला। खोल तो दिया। नहीं खुला यार। भाई हाथ डाल के खोल ले, नोक करूं मैं तेरा। ज्यादा नहीं होना तेरा, खोल ले वहां से। ले। कितना वो नहीं करता है तू फालतू को ओवर रिएक्ट। भाई तू लॉक करके बैठा, बैठू कैसे मैं अंदर? एक बात बता भाई, तू बेटा सुपर कार में तो मैं कूद के आ जाऊंगा। कैसे आ जाएगा कूद के? जरूरी थोड़ी है मैं हमेशा उसको कन्वर्ट करके रखूंगा। इट्स मीन कन्वर्टेबल है क्या? लो गाइस करा दिए थोड़ा सा रिवील। ले भाई। अरे कल सिब्बू ने रिवील करवा दिया। अच्छा? मस्टैंग नहीं ले रहा मैं। हाँ उसने ऐसी सिचुएशन बना दी, मेरे को बोलना पड़ा कि मस्टैंग नहीं ले रहा। एक रिवील तो यही हो गया आज, सेकंड रिवील मैंने कर दिया। और बता कन्वर्टेबल है। और चलो गाइस, फोन आ गया भाई किसी का। कहाँ जा रहे हम? बताया तो था शॉपिंग करने जा रहे, कल मेन चैनल का शूट है ना। अच्छा भाई दुकानें सब बंद पड़ी है यहाँ पे? तो दुकानें बंद है ना मोस्टली, मैं वही देख रहा हूँ, शटर वटर डाउन पड़े हैं सबके। भाई ये दंगे वंगे हो रहे हैं यार। भाई ये जो लोग गलत करते हैं ना भाई, वो प्लीज यार संभल के रहो, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। वो जो शोभा यात्रा पे हमला हुआ वो बिल्कुल गलत था। मेवात के अंदर जो मंदिर में आए हुए थे लोग, उन पे हमला किया गया, वो बहुत गलत बात थी। अब उसका नतीजा हो रहा है ना, ये दंगे हो रहे हैं फिजूल में। क्या क्या मिलता है यार ये सब करके, अटैक करके बताओ, फिजूल में पत्थरबाजी है, वो गलत बात है भाई, गलत बात है। अभी लगता होगा लोगों को कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन भगवान सब देखता है। यही इसी जिंदगी में सबको सबका फल मिल जाएगा, जो गलत है जो सही है। ओ भाई कड़ी बातें बोल दी भाई ने आज तो। सो गाइस ये देखो ये रचित क्या कर रहा है। ये भाई मेरे वीडियो में सीन है ना, तो मतलब तेरे को मैं ही मिला हूँ ये ट्रायल के लिए। तू ट्रायल हो गया गाइस, देख रहे हो यार। बिना हेयर बैंड के ज्यादा सही लग रहा है भाई। ओ ये क्या बना रहे तू मेरे को? एंजल प्रिया। एंजल प्रिया, एंजल प्रिया बना रहा हूँ तुझे। भैया चार दे दो ये वाले गुलाबी वाले। तो भाई यहाँ इस मार्केट में हमें हमारा कुछ सामान मिल गया, कुछ नहीं मिला तो अभी दूसरी मार्केट जा रहे हैं भाई। तो भाई यहाँ वजीराबाद गांव आए थे, यहाँ भी भाई मार्केट में हमें जो चाहिए वो सामान मिला नहीं, तो अभी हम दूसरी मार्केट जा रहे हैं। तो गाइज अभी पता है मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने भी ऐसे भी डिस्कस करा, भी ने बोला कि ठीक है भाई कर लेते हैं। आइडिया यह है कि अभी सिब्बू को फोन मिला के सिब्बू को करूंगा एक्सीडेंट का प्रैंक कॉल। अभी उसको पता है क्या बोलूंगा मैं? अभी हम मार्केट गए थे,
तो वो मैं पैदल जा रहा था, बाइक वाला है, बाइक वाले ने मेरे को टक्कर मार दी। बोलू देख ले भाई, मैं कुछ नहीं कहूंगा, देख ले। अरे सही लगेगा ना ऐसे ही बोलूंगा कि सिब्बू बाइक वाले ने मुझे टक्कर मार दी, तेरे चक्कर में मैं भी गालियां खाऊंगा। अरे एक बार देखते ना क्या रिएक्ट करेगी इसमें, गाड़ी में कनेक्ट करके फोन। गाइस ये विनय का फोन है और विनय के फोन से ही उसको फोन करूंगा सिब्बू को। तो गाइस सिब्बू को फोन कर रहा हूँ भाई, ये देखो सिब्बू गिरी को फोन कर दिया। चुप बोलियो, मैं तो चुप बोलियो, मैं तो बोलूंगा, अभी म्यूट है, चुप रहे। हेलो हेलो हेलो। हाँ यार सिब्बू एक्सीडेंट हो गया यार। एक्सीडेंट हो गया? हाँ। कहाँ पे, कैसे? अरे गाड़ी से नहीं हुआ वो, मैं मार्केट नहीं गया था, तुझे बताया था सामान लेने जा रहे हैं हम। हाँ हाँ। हेलो हेलो हेलो। हाँ तो यार मैं पैदल पैदल था तो एक बाइक वाला आया पीछे से, मैं मार्केट की रोड पे पैदल था, उसने आगे पीछे से ऐसे ठोक दिया और यार मेरे हाथ पे भी खून निकल गया और मैं जब जमीन पे गिरा तो मेरा सर भी फूट गया, सर से भी खून आ रहा है यार। तो कहाँ पर थे, हॉस्पिटल नहीं गए? नहीं यार ये अब मेरा फोन भी टूट गया इसलिए तेरे को विनय के फोन से फोन करा यार। अच्छा तो अभी विनय है साथ में? विनय गया आसपास कुछ डॉक्टर वगैरह को देखने, मैं अभी मैं विनय को मतलब बोला कि ला फोन दे दे। गाड़ी के अंदर हो, बाहर खड़े हो? नहीं मैं गाड़ी में ही बैठ गया यार, बाहर कहाँ खड़ा होता रोड पे। वो लोकेशन भेजो मैं आती हूँ। आई हेलो। हाँ लोकेशन भेजो मैं आ रही हूँ। अरे तू पैदल कैसे आएगी? पैदल आ जाऊंगी, कैब कर लूंगी, बता मेरे को कहाँ पे, ज्यादा सर में भी लगी है, हाथ में भी लगी है, हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। अच्छा चल मैं भेजता हूँ। हाँ। बाकी ये विनय आ ही गया है, ये सामने ही है। ओए विनय। हेलो हेलो। आ गया विनय, मैं विनय से फिर थोड़ा दवाई वाई लगवा लूँ, एक बार फिर आता हूँ मैं, आ रहा हूँ। अच्छा, फिर घर पे ही आ रहा हूँ। एक काम करो, देखो वहाँ पे एक काम करो या फिर घर ही आ जाओ, मैं देखती हूँ, फिर मेरे को लोकेशन भेज दो मैं आ रही हूँ। ठीक है लोकेशन आ ही गया विनय वैसे तो यार। हाँ यार यार सर से खून लेकर रहा है मेरे को लग रहा है, पता नहीं सर फट गया शायद, टाके वाके ना लगे मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, वैसे मेरे अजीब सा होगा बिल्कुल। अच्छा ठीक है, पहले तुम एक काम करो, पहले विनय के साथ किसी आसपास क्लिनिक में जाओ। ठीक है फिर मैं आती हूँ, मेरे को लोकेशन में भेज देना, मैं वहीं आ रही हूँ क्लिनिक में। ठीक है ले आ गया ये विनय। भाई विनय ये सिब्बू फोन पे बात कर ले यार। हेलो। हाँ सिब्बू। हेलो क्या हो गया, कैसे हो गया, इसको पहले हॉस्पिटल लेके जाओ, फोन पे ही रहियो। ठीक है जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ मैं इसको लेके। ठीक है इसके लग गई है थोड़े, खून वून निकल रहा है। ठीक है ढूंढने में टाइम वेस्ट मत कर, आसपास क्लिनिक होगा। हाँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। अरे पट्टी वट्टी करवा दे। अरे जा रहा हूँ, इसके सर से खून बह रहा है। अरे जा रहा हूँ, इसके सर से खून बह रहा है, अभी बाद में बात करते हैं। ठीक है फोन रहने दे ना, ऑन ही रहने दे, मेरे को पता तो रहेगा, फिर तुम पता नहीं क्या आवड़ा लवड़ी में कैसे गाड़ी चला लो। ठीक है मेरे को लोकेशन दे, मैं आ रही हूँ। गाड़ी मैं चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करना क्लिनिक पे ले जा इसको, पट्टी करवा दे, जो भी दिक्कत है मैं और मेरे को लोकेशन। अरे इसको बोल, इसको बोला अभी तो फोन रहा, कभी मैं डॉक्टर के ले जाता हूँ, तुझे फोन करता हूँ। म्यूट है, अनम्यूट करना। हेलो आ रही है आवाज? हाँ सिब्बू आवाज आ रही है, मैं कह रहा हूँ मैं बाद में फोन करता हूँ, इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। ठीक है अरे ठीक है बाद में फोन करता, लेकिन फोन ऑन ही रहने दे, क्या दिक्कत है, तो लेके जा या फिर लोकेशन भेज दे, फिर रख दे फोन। ठीक है अच्छा ठीक है मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। ओके बाय। हाँ ठीक है। सुनो ज्यादा फोन, इसका फोन कहाँ है? अरे मेरे पास ही है, इसका फोन टूट गया। अरे टूट गया, अरे इसका फोन टूट गया, मेरे पास ही है। अच्छा ऑन नहीं हो रहा क्या है? ऑन नहीं हो रहा? अरे यार सिब्बू पूरा चटक गया है, आगे पीछे से नुकसान हो गया इसका 2 लाख का। अच्छा चल ठीक है तू ना फोन रख, ठीक है फोन में बाद में देखेंगे, पहले इसको ले जा हॉस्पिटल, ले जा इसको क्लिनिक पे ले जा। बाकी ज्यादा पैनिक मत हो ना, मैं हूँ ठीक है, मैं संभाल लूंगा। ठीक है मेरे
हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल लोकेशन अभी रुको बिल्कुल भेज रहा हूँ भाई जल्दी चल यार सर भाई चल रहा है अच्छा शिपू बाय बाय जल्दी चल भाई सर दुख रहा है यार भाई कौन निकल रहे भाई क्या क्या कराता है यार ये भाई इसको सच में हो गया गाइज अभी देख रहा देखो पता है क्या करना पड़ेगा हमें अभी हमें ये करना पड़ेगा कि मैं इसको मेडिकल स्टोर भेजूंगा वहां से पट्टी भी मंगाऊंगा और वहां से बिटाडिन भी लाइयो और बिटाडिन पे पट्टी लगा के सर पे बांध के फिर घर जाऊंगा ताकि उसको घर जाने के बाद भी ये लगे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है फिर रिएक्शन देखेंगे क्या होगा ओ भाई मजे आने वाले विनाश तो भाई हम आए तो थे संभाल लेने पर संभाल लेते लेते खुराफाती दिमाग में आइडिया आया और ये इम्प्लीमेंट कर दिया अभी ना उसको दोबारा फोन वोन भी है ना लोकेशन मत भेजियो उठाइयो ही मत ना मैं उठाऊंगा ना तो उठाइयो ठीक है सीधा ना गाइस अब पट्टी बांध के और यहाँ पे चोट की दवाई लगा के खून लगा के फिर चलेंगे घर पे हेलो हाँ लोकेशन भेज रहा हूँ सिर्फ वो एक मिनट ट्रैफिक हो रखा है थोड़ा सा अच्छा ठीक है ओके तो गाइज फाइनली हमारा सामान मिल गया है सारा शूट का लेकिन रात हो गई है विनय भाई वहाँ से जा मेडिकल स्टोर से एक लिया पट्टी और लिया बिटाडिन लाल लाल करने के लिए चोट दिखाने के लिए जा भाई चल तू भी लिया ना मैं गाड़ी मोड़ता हूँ इतने मैं मोड़ लेता हूँ अबे जा ना यार प्रैंक मत फेल करवा यार देख सामने वो रही अपोलो फार्मेसी यार जल्दी चले जा यार तो तेरा साथ दे रहा हूँ प्रैंक में हाँ तो साथ दे भाई अच्छे से दे गाड़ी तो मोड़ रहा है कौन सी नाम लेने वाला था सुपर कार का सॉरी अच्छा तू जा दे वो पीसी अपोलो फार्मेसी जल्दी जाके लेके आ जा रहा हूँ भाई पट्टी और बिटाडिन चलो गाइस मैं गाड़ी मोड़ लेता हूँ फिर उसके बाद सर पे बांधूंगा पट्टी चोट दिखाने के लिए बिटाडिन लगा लूंगा और सिब्बू पे करेंगे प्रैंक अभी तक फोन पे फोन करिए जा रही है सिब्बू की कहाँ हो तुम लोग कहाँ हो ना तुम लोकेशन भेज रहे ना तुम ये बता रहे कौन से हॉस्पिटल में हो भाई वो फुल ऐसे हो रखे बिल्कुल टेंशन में पता नहीं उसको पता लगेगा कि प्रैंक कर रहे थे तो क्या रिएक्शन होगा उसका ये आ गया भाई विनय लेके सामान क्या क्या लाया बिटाडिन और पट्टी कितनी पट्टी लाया दो लाया ना एक यार तू पागल है क्या तुझे पता नहीं एक सर पे बांधनी एक हाथ पे बांधनी तू एक क्यों लाया फिर यार मेरे से झूठे प्रैंक नहीं होते ना प्रैंक तो झूठे ही होते हैं अगर सच्चा हो गया तो प्रैंक किस बात का फिर तो यार एक से काम चला लेना ठीक है क्या हो गया दिखा ले भाई तेरी बिटाडिन एक बिटाडिन दूसरी पट्टी भाई दो थोड़े होगी दो हाँ ये देखो गाइस दो लाया भाई मैं प्रैंक में शामिल हूं अबे मेरे साथ क्यों कर रहा है प्रैंक ले रख ले अभी माना पार्किंग में चल के मेरे पट्टी बांध दियो ठीक है सोचा नहीं था जिंदगी में काम भी करना पड़ेगा चल भाई नीचे पार्किंग में पट्टी बांधने के बाद ऊपर लेके जाइयो मेरे को ऐसे पकड़ के जैसे मेरे को पता नहीं क्या हो रखा है और फिर सीधा ले जाके सिब्बू के रिएक्शन देखते हैं ये भगवान मेरी स्माइल को रोक लेना हंसियो मत बस यार तू क्या मुझे खुद हंसी आएगी मैं खुद अपनी हंसी पता नहीं कैसे कंट्रोल करूंगा तो गाइस फाइनली विनय ने मेरी पट्टी के साथ मेकअप कर दिया है कैसा लग रहा है मेरे को तो पता ही नहीं लगा कैसा हो रखा है भाई बढ़िया किया है हाथ दिखाना ये देखो गाइस एक चोट लगाई हाथ पे और सर में आए हैं मेरे टाके और अभी चलते हैं ऊपर और साथ में ना सामान भी ले लिया है ताकि सिब्बू को ना लगे कि सामान कहाँ है तो चलो गाइस ऊपर चलते हैं आओ सच में ऐसा लग रहा है क्या चोट लग रही है और क्या शक्ल से लग रहा है मेरे को चोट लगी है बिल्कुल नहीं लग रहा बिल्कुल नहीं लग रहा हाँ बिल्कुल सैड समझ जाइयो अगर तू हंसा तो मेरी हंसी नहीं रुकेगी रचित पहली बता रहा हूँ भाई भगवान कंट्रोल करना पड़ेगा कैसी शक्ल बनाओ ऐसे क्या क्या करवाता है यार तू मैं करवा रहा हूँ तू मेरे से बल्कि करा रहा है ये सब तो गाइज आपके सामने अभी लाइव सिब्बू के रिएक्शन रिकॉर्ड होंगे मैंने उसको ना मार्केट जाने से पहले बोला था कि सिब्बू तैयार होके रहियो आने के बाद शूट करेंगे रील्स बनाएंगे शॉर्ट्स बनाएंगे और उसको क्या पता ये होगा रुक जा यार पहुंचने वाले पहुंचने वाले उदासी 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 सैड लग गए अब आसमान मत तू मत बोलियो पीछे से कुछ वरना मेरी हंसी छूटेगी हंसी छूटेगी ना तो मैं ऐसे कर लूंगा मैं चुप हूं भाई अगर ऐसे छूटे ना मैं ऐसे कर लूंगा थोड़ा सा दर्द हो रहा है ऐसे करके आ जा सिब्बू छह सात
फिर व्लॉग कर रहा है डेली, हर चीज कंटेंट नहीं होता, मत करिए सब यार। डेली तो व्लॉग बनाते हैं सिब्बू, क्या हो गया अब? डेली तो बनाते हैं, सुबह से बना रहे हैं हम तो, जब से निकले हुए हैं। तो तूने एक्सीडेंट का रिकॉर्ड हुआ है कुछ, दिखा मुझे, एक्सीडेंट का भी बनाया तुमने? क्या बताऊं अब, फिलहाल उसका देखो तो ध्यान रखो, एक्सीडेंट तो अभी छोड़ो, हो गया जो सो हो गया। दर्द हो रहा है क्या? दर्द तो हो गई, तू सर पे हाथ मत लगा बार बार, ठीक है? फिर और दुखेगा, इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दे। कितने टाके आए अभी ने? छह टाके। अरे गिराना तो कोनी फूट गई और फिर सर भी फूट गया, बाइक वाले ने टक्कर मारी ना, फोन भी टूट गया मेरा। मतलब उसमें एक्सयूवी ने बाइक पे मारी, मतलब ये क्या हो गया? एक्सयूवी में नहीं था ये, क्या हो गया? चोट लग गई। कैसे? मतलब हुआ कैसे एक्सयूवी में था मतलब? अरे बताया तो था, मैं गाड़ी से उतर के मार्केट में जा रहा था पैदल, तो पैदल के मारी है टक्कर बाइक वाले ने। बाइक वाला नहीं देखा? बाइक वाला नहीं पकड़ा? वो तो मार के भाग गया ना। तो इतना क्या थी? किसी ने तो कोशिश भी नहीं करी, तो कौन होता है यार बचाता है? नंबर भाग गया, पकड़ा तुमने, पूछा नहीं कि क्या चला? अरे मार के भाग गया, इतने में ही आया, फिर मेरा तो फोन भी टूट गया था। तो आसपास के लोग नहीं थे, किसी ने मदद नहीं करी? थे लोग, तो वो चोट गिरने के बाद फिर मतलब ये आ गया था, फिर मैं गाड़ी में बैठ गया था ना उसके बाद। तू रुक, मैं तेरे लिए पानी लाती हूं। ओए पानी ला एक बार। बल्लू पानी लाइयो भाई। लाओ भैया, ला रहा हूं। दवाई दे दी डॉक्टर ने? दी है। हां दवाई है, दवाई दी है, खाने की दवाई भाई, खाने की भी है, लगाने की भी है। मैं तो जिंदगी में फर्स्ट टाइम टाक के आया मेरे को, और देखोगे ना एकदम ऐसे बिल्कुल फटा हुआ है इसका यहां से। नहीं मेरे को मत दिखाइयो, मैं नहीं देख सकती। तू भी ऐसा ऐसे नहीं, तू भी सही से नहीं चल सकता क्या रोड पे? आप यार मैं सही से चल रहा था, फिर कभी दिल देखे अटाके लगे हुए? ये भी आ गया हमारे साथ भाई, चोट लग गई तेरे बाप को। कभी तूने देखे अटाके लगे हुए? देख ले एक बार। नहीं 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 पागल है क्या? नहीं भाई दिखा दे एक बार। छोड़ पागल है क्या? दर्द हो रहा भाई इतना गंदा, ऐसे रहने दे ठीक हो जाएगा। अरे मत कर, पूरा यहाँ से कटा हुआ है। मैं थोड़ा सेट कर रहा हूं। नहीं नहीं ऐसे रहने दे, फिर पास बन जाएगा यहाँ पे। टच मत कर तू, तू भी तो कर रहे मत। अरे मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तू ऐसे मत टच कर, मैं तो पट्टी को सेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, बस ऐसे। ले देख टाके, ले देख टाके, देख तेरी मत कर। गाइस टाके हैं इसके अंदर, छह टाके। ले इस टाके खा ले। अबे यार रोज का है, घर चल। कुछ भी कर सकते हैं ये, मतलब कुछ नहीं, इस बार तगड़ी प्लानिंग नहीं थी, इस बार प्लानिंग तगड़ी नहीं थी, मेहनत करी है प्रॉपर यार, इतनी मेहनत करी है हमने। नीचे से कैची खरीदी दुकान से, उसके बाद भाई इसने पट्टी वट्टी बांधी प्रॉपर, देखना दवाई लगाई, इतनी हमने प्लानिंग करी है यार। दीदी टाके लगे इतनी मेहनत, कुछ भी मेहनत, देखो गाइस मेहनत भाई करी है मेहनत भाई। देख यहाँ पे तो सच में चोट लगी है, अरे यहाँ सच में लगी है, एक बार देख तो ले। नहीं यहाँ वो एक्टिंग थी, यहाँ सच में लगी है, देखिए। ओए होए बहुत भयानक चोट है, अरे ठीक से देख, अरे लग जाएगी ठीक से देख, देखिए अरे अंदरूनी चोट है, अरे अंदर लगी है ना, अंदरूनी चोट है, हड्डी में लगी है अंदर, अभी तक तो नहीं लगी थी, अंदर लगी है। मजा आता फिर, और दम मजा आता तेरे, सही में लगती तो। अरे रहने दे तू भाई, सही पागल काट के आ रहा है, सही पागल काटता है ये। ओ भाई मजा नहीं आया, तू ऐसे प्रैंक करते रहेगा ना, अगर तेरा सच में कभी कुछ चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, मुझे तो लगेगा मजाक कर रहा है तू, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन फिर मार तो मत जान, देख ऐसे करेगी मेरे साथ तू अब? यार ये मजाक थोड़ी ना होती है हर चीज। तो गाइस ये देख लो यार, इतनी मेहनत करी हमने प्रैंक करने के लिए और ऐसे कर रही अब। कैसा लगा, मजा आया? मेरे को तो बहुत आया, मतलब कैसा था तू? मैंने एक बार भी कैमरा अपनी तरफ नहीं मोड़ा, क्योंकि मैं तो हंस जाता भाई। मेरी ऐसी छूट रही थी, मैं कंट्रोल कर रहा था, इसकी शक्ल देखो क्या हाल है, कैसा लगा? सही बात है, कोई ये ऐसी नहीं लग रही वो वेडनेसडे वाली एक्ट्रेस के कपड़े। अगर मैंने कभी प्रैंक किया ना रचित, रो दे
देगा तो तेरे को रुला दूंगी मैं आंखों से। नो प्लीज ऐसा ना करना, हमारे गैल हमारे हमारे मेरी गैल मत करिए। देखिए ऐसे बोलूंगी मर गई, मैं किसी और से फोन करवाऊंगी, ऐसे वो मर गई रोड पे पड़ी है। हां पागल है क्या तू, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ज्यादा ही हो गया। रास्ते में हमें कहीं फोन पड़ा हुआ मिला है और हमें यहाँ एक लाश मिल गई है, ऐसे करूंगी। अच्छा कुछ भी बोलेगी, मारना बच जाए। मैं ऐसे प्रैंक करता हूँ जो ठीक है, सहा जाए ऐसे थोड़ी है, कुछ भी कर दो। ले ऐसे लोकेशन मांगती रहेगी, लोकेशन शिट जब भी मैं गई ना, लोकेशन क्यों नहीं दी? इस मुंह ने बंद कर ले ना, अड़े पिटेगी। ले पानी पीने। नहीं ये वैसा है। कैसा? ORS का। तो गाइस ये तो भाई अपना प्रैंक हो गया आज, बढ़िया। आप बताओ सक्सेसफुल हुआ या फिर ये फेल हो गया? विनय ने फुल प्लानिंग करवाई थी साथ में, क्या लगता है? बढ़िया था भाई, सक्सेस हो गया। बहुत कमेंट आती थी गाइस एक्सीडेंट प्रैंक करो, नहीं रचित भैया एक्सीडेंट प्रैंक करो सिब्बू दीदी के साथ, तो आज फाइनली कर दिया आप लोगों की डिमांड पे, ठीक है ना। तो चलो अभी बढ़ते हैं अपने सेगमेंट RRR की तरफ। तो पहला सवाल हमसे पूछा है योगिता तुशीर ने, माय RRR क्वेश्चन इज, आपका स्कूल टाइम पे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, प्लीज रिप्लाई रचित भैया। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था फिजिक्स, और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स के अंदर मैंने स्कूल में टॉप किया था, मेरे 96% आए थे फिजिक्स के अंदर, तो फेवरेट था, तो टॉपर भी बना मैं फिजिक्स का। दूसरा सवाल हमसे पूछा है स्वैगी निशा ने, रचित भाई सुपरकार सिब्बू के बर्थडे पर गिफ्ट होने वाली है क्या, वो भी रेड कलर की सुपरकार? भाई पता नहीं, हो भी सकता है, अब क्या पता, अब अगर ऐसा है तो फिर मैं क्यों बताऊं, सरप्राइज तो सरप्राइज रहना चाहिए ना, फिर कुछ भी हो सकता है गाइस। देखते रहो बस डेली व्लॉग्स, जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर करो, सुपरकार भी आएगी और हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए। तीसरा सवाल हमसे पूछा है अनिल पंडित ने, आई एम पूरव, आपका फर्स्ट मोबाइल कौन सा था जिससे आपने वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी? आई एम योर बिग फैन भैया, थैंक यू सो मच पूरव भाई। फर्स्ट मोबाइल मेरा था MI का, MI के फोन से मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी सन 2017 में, तो आप देख लो तब से वीडियोस बना रहा हूँ मैं MI के फोन से। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके भाई एप्पल आया, फिर कैमरा आया, अब तो सब कुछ है भाई। चौथा सवाल हमसे पूछा है शिरवंशा ने, भैया आपकी शादी हो गई या नहीं? हाँ मेरी शादी हो गई और मेरे दो बच्चे भी है, एक ये रहा और एक ये लेटा। कुछ भी यार, एक बच्चा यार, कहाँ से मेरी शादी हो गई गाइस? अगर मेरी शादी हो गई होती तो आपको पता नहीं लगता यार कैसे सवाल पूछते हो, पर ये मेरे को फनी लगा तो मैंने पिक कर लिया। आखिरी सवाल हमसे पूछा है अहीर जी ने, टमाटर वर्सेस भिंडी का पार्ट 2 कब आएगा? तो भाई टमाटर वर्सेस भिंडी का पार्ट 2 आज ही आएगा, आज 11 बजे व्लॉग डल गया ये, तो 2-3 बजे के आसपास आपको पार्ट 2 देखने को मिल जाएगा। जिसको नहीं पता है गाइस इंस्टाग्राम रील्स पे अब ओरिजिनल कंटेंट में रील्स आए करेंगी, और सेम मेरे मेन चैनल के ऊपर भी मैं शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, तो जल्दी से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये रहा मेरा यूजर नेम, और भाई शॉर्ट्स भी आती है मेरे मेन चैनल के ऊपर, तो वो भी देख लेना, और टमाटर वर्सेस भिंडी का पार्ट 2 आ जाएगा आज ही। तो चलो गाइस अब इस व्लॉग को करते हैं एंड, आई होप आपको पसंद आया होगा, जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवाओ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, फिर कल 11 बजे मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, जय श्री राम।